समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने करारा वार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस पर संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी कहते हुए कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है, बल्कि उन्होंने बसपा से बयाना लिया है। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने के लिए संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया कि अखिलेश यादव बताएं कि उनके फॉर्म में कौन सा धर्म लिखा है, कृष्ण यदुवंशी हैं कि नहीं। घोसी उपचुनाव को लेकर संजय निषाद ने कहा कि स्वामी जी ने उपचुनाव को अब आसान कर दिया है, मुसलमान के सामने कोई जाति नहीं होती, अब हमारी लड़ाई आसान हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो भारत में अधर्मी की कोई जगह नहीं है और जनता जनार्दन होती है, उसका सबक जनता ने दिखा रखी है। वो बयान नहीं है, उन्होंने बयाना लिया है बहुजन समाज पार्टी से कि जाओ सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाओ, और फिर जितना बयाना लिया उतना वो बोल रहे हैं। उससे क्या होगा कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले अब अखिलेश जी को बयान देना पड़ेगा कि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह ने उनके फार्म में कौन सा धर्म और जाति में तो यादव लिखा होगा, धर्म में क्या लिखा होगा, मुसलमान क्रिश्चियन या और, अगर इनको तो अब जवाब देना है ना कि कृष्ण यदुवंशी हैं कि नहीं है। अब सारे यादव हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनकी जन्मभूमि यदुवंशियों की जन्मभूमि कृष्ण भूमि जो है हम मुक्त करा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सारे यादव धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। और कल जवाब देना पड़ेगा कि भाई उस पर मस्जिद बनाने वाले के साथ रहेंगे अखिलेश जी या कृष्ण के साथ रहेंगे, ये साबित करें कृष्ण के मंसज है कि नहीं है। माननीय मुलायम सिंह का अखाड़ा स्टार्ट करें तो शायद समाजवादी पार्टी बचेगी। ये भाड़े के पहलवान जो है ऐसे दो चार बयान देते रहे, इन्हीं के जो उन्हीं की बीवी खुदे विरोध में आ गई, इनके उनके खुदे उनके जो विधानसभा के नेता है प्रतिपक्ष के मनोज पांडे खुदे विरोध में आ गए। तो आज के दिन में जब शनेश्वर मिश्र थे तब समाजवादी पार्टी थी, अमर सिंह थे तब समाजवादी। 26 जनवरी 1950 से पहले द अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, यह माना जाता था कि उसी जात की जो है भगवान का चुना हुआ भेजा है। लेकिन आफ्टर द 26 मैं नहीं कहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1950 को उन्होंने मीटिंग ली थी, उसमें कहा था कि वी आर चूजन बाय गॉड टूडे इज वी आर चूजन बाय गॉड, बट आफ्टर देन 26 जनवरी 1915 यू आर नॉट चूजे बाय गॉड, यू आर चूजन बाय पब्लिक। अगर आपको ऊंचा रहना है तो पब्लिक चुनेगी तब। अब मौर्य जी के पब्लिक ना ही वोट देता और नीचे जाता तो हमें कौन दोष है, और सभी को वोट जिसको वोट दे रही वो आगे जा रहे हैं। जब वही रसखान है ना कि जहाँ रस पाते हैं उसी का रसखान है। डिंपल से इस समय आक्रामक लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि अब स्वामी जी ने आसान कर दिया ना, वहाँ मुसलमान है, मुसलमान के सामने सब कोई जाति थोड़ी रहती है, मुसलमान तब तलवार उठाता है तो सब लोग हिंदू बन जाते हैं। और उन्होंने हमारी लड़ाई बहुत आसान कर दिया, वैसे भी हम लोग सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के सभी जातियों को, मुसलमानों में गरीबी उन्होंने बढ़ाया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी उन्होंने बढ़ाया, अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं। कोई सिंगल मुसलमान ये कह दे कि मोदी जी ने या योगी जी ने भेदभाव किया है हमारी सरकार ने, अगर बिना भेदभाव के हम सभी जाति धर्म को दे रहे हैं तो सब वोट हमें दे रहे हैं, कोई वंचित तो नहीं है। और वैसे भी निषाद जी नाव पर सवार आता है वो नैया पार होती है। ये लोग अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद।